फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट पार्टी। सो जो आज की रेसिपी है दैट इज़ पालक पनीर। सब लोग अपने घर में अपने तरीके से बनाते हैं, तो लेट्स सी मैं कैसे बनाती हूँ सिंपल एंड इजी तरीके से। सो लेट्स मूव टू द किचन। So let's get started with today's healthy recipe. It is very commonly cooked at everyone's home. But I will show मैं ये कैसे बनाती हूँ, that is पालक पनीर। तो इसके लिए मैंने पालक ली है 600 ग्राम, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने इसे गर्म पानी से भी वॉश किया है और सारी मिट्टी इंश्योर की है निकल गई है। और हमें ड्राई मसाले चाहिए, उसके में एक काली इलायची, 4 लौंग, 3 काली मिर्ची, आधा इंच दालचीनी। और 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है, जिसे क्यूब की शेप में काट लिया है। और मैंने मसाले के लिए एक अनियन, 2 टमाटर, आधा इंच जिंजर, 4 क्लोव्स गार्लिक के और एक हरी मिर्ची ली है। क्रीम चाहिए बस ऊपर गार्निश करने के लिए। और दूध लिया 1/4 ग्लास, इसका भी शायद आधा ही यूज होएगा। और मसाले चाहिए। अब हम सबसे पहले पालक को कुकर में डालेंगे। इसमें मैं ड्राई मसाले डालूंगी और थोड़ा सा नमक। एंड आप ध्यान रखें, जब आप पालक को उबाल रहे हैं तो आप इसमें पानी मत डालें ना तो पालक, क्योंकि पालक अपना भी पानी छोड़ती है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। हमें जो पालक चाहिए वो थोड़ी गाढ़ी चाहिए, पालक पनीर बना रहे हैं इसलिए। अब मैं इसको उबालने रख दूंगी और साइमल्टेनियसली मैं कढ़ाई में तेल डाल के इसमें मसाला भूनेंगे। तो मैं इसमें हरी मिर्च काट के डालूंगी। एंड जब हरी मिर्च हो जाएगी तो मैं इसमें अनियन डालूंगी। अनियन को हमें बाद में ब्लेंड करना है, इसलिए मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है। आप चाहे तो इसे बारीक भी कर सकते हैं, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनली ये ब्लेंड होएगा। और जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं होता तब तक हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे, क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट हो गया और हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। अब हमारे कुकर में भी अराउंड 3 विसल्स आ गई है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। अब आप देखिए, हमारे जो अनियंस है वो भी गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैंने वही सेम कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा तेल डाला है और मैं इसमें पनीर को फ्राई करूँगी। हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि पनीर अदरवाइज काफ़ी हार्ड हो जाएगा खाने में। हमें बस हल्का सा सॉटे करना है पनीर को। अब आप देखिए, बस इतना ही हमें पनीर को करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। अब इसी तेल में मैं अनियन का मसाला डाल दूंगी और हम तब तक भूनेंगे जब तक प्याज अलग ना हो जाए और तेल अलग ना हो जाए। और मैंने टमाटर को भी काट लिया है और मैं टमाटर की प्यूरी बना लूँगी। और देखिए, ये जो हमारी पालक है ये भी हो गई, मैं इसको भी ब्लेंड कर लूँगी। बट हम पालक जब ब्लेंड करेंगे, आपको ध्यान रखना है अपने पालक का पानी निकाल देना है, वो नहीं डालना है। एंड ये हमारा जो मसाला है ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब आप देखिए, प्याज अलग हो गया है और जो तेल है वो अलग हो गया, तो हम इसमें अब टमाटो प्यूरी डालेंगे। अब हम इसमें नमक और लाल मिर्ची डालेंगे।
और इसको तब तक भूनेंगे जब तक प्याज टमाटर अलग हो जाए और तेल जो है वो अलग हो जाए। एंड आपको किसी पॉइंट पे भी इसमें लगता है कि पानी की कमी है तो पानी डालने के बजाय बेटर है आप इसमें थोड़ा दूध डालिए, क्योंकि अगर आप दूध डालेंगे तो आपको मक्खन घी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 1/4 ग्लास दूध लिया है, मैंने पूरा नहीं डाला है, हाफ ही डाला है उसका, दैट मीन्स 1/8 ग्लास, और अगर मुझे फिर ज़रूरत लगी तो मैं और डाल लूँगी। बट दूध को रूम टेम्परेचर पे लीजिए, जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ जिसमें हम टमाटर में दूध डालते हैं। अब आप देखें हमारा मसाला ऑलमोस्ट हो गया है और जो हमारा दूध है वो 1/8 ग्लास ही लगा है, बाकी हमारा बच गया है। अब ये हमारा मसाला हो गया, मैं इसमें मसाले डालूँगी, नमक डालूंगी। नमक थोड़ा ध्यान से डालिए, रीज़न मीन नमक हमने पालक में भी डाला है और हमने पहले मसाला भूनते हुए भी डाला है। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इसमें हम हल्दी नहीं डालते बिकॉज पालक के साथ हल्दी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे, फिर जो हमने पालक ब्लेंड की है वो डालेंगे। ये मैं डाल ली पालक और पालक को भी मिक्स कर देंगे। ये जो हमारी पालक है थोड़ी गाढ़ी है बिकॉज हम इसमें पनीर डाल रहे हैं। अगर आप कॉर्न डालें तो पालक में थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं जब आप इसको ब्लेंड कर रहे हैं। जो पानी छूटा था कुकर में वो आप थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि जो कॉर्न के साथ पालक होती है वो थोड़ी ज़्यादा पतली होती है, वो इतनी थिक नहीं होती है। नाउ आवर पालक पनीर इज रेडी टू बी सर्व्ड। मैं इसको बाउल में निकालूंगी और थोड़ा सा क्रीम से गार्निश करूंगी। अगर आप क्रीम से नहीं भी करते, क्योंकि हमने दूध डाला था, ऐसे भी बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। नाउ दिस इज रेडी। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, राइस के साथ या परांठे किसी के साथ भी खाइए, यू विल रिलिश इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब in case you haven't, and also hit the bell button to be notified whenever I post a new video. Thank you and keep loving Taste Buddy.